Okay, hello everyone. Hope you can see the screen and you can hear me as well, right? Good one. Okay, cool. Fine, so homework था. अच्छा, कल आपका टेस्ट है ना पॉलीमेट्री का? Do you have test tomorrow? Okay, fine. तो ठीक है, लेट अस डिस्कस. कहां तक डिस्कशन आपने कर लिया था? एवरीडी? हाँ, अभी मॉड्यूल डिस्कस करेंगे ना. एक बार बताओ, हमने कहां तक किया था डिस्कस? हाँ, डाउट ही कर रहे हैं डिस्कस. एक बार बताना कहां तक किया था डिस्कस. एक्सरसाइज वन इज फिनिश्ड. ओके, तो एक्सरसाइज टू से करेंगे, राइट? एक्सरसाइज टू अप टू 29 हो गया. एक्सरसाइज टू हो गया है अप टू 29. ओके, तो आगे करना है हमें. एवरीडी आगे करना है ना? ठीक है, तो बताओ फिर. एक्सरसाइज 229 के आगे एक्सरसाइज टू है, फिर एक्सरसाइज थ्री है, एंड देन एक्सरसाइज थ्री के बाद प्रीवियस ईयर पेपर वाला सेक्शन है. ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट देन. एक्सरसाइज टू का 32, आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट्रिक का डिफरेंस. अच्छा देखो, आयोडोमेट्रिक में और आयोडोमेट्रिक में डिफरेंस यही है ना कि एक में डायरेक्टली फ्रेशली प्रिपेयर मतलब नया आयोडीन बनाते हैं, ठीक है, और एक में पुराना आयोडीन यूज करते हैं. डिफरेंस तो इतना ही है बस, मोस्टली चीजें एक जैसी ही हैं. इज दैट क्लियर? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक में फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल यूज करते हैं और दूसरे में फ्रेशली प्रिपेयर यूज नहीं करते. आयोडोमेट्रिक में क्या करते हैं और आयोडीमेट्रिक में क्या करते हैं? डिफरेंस ये है कि आयोडीन में डायरेक्टली टाइट्रेट करते हैं और आयोडो में आयोडीन बनाते हैं, तो उसमें ज्यादा रिजल्ट एक्यूरेट आता है. इतना ही है और कोई खास अंतर नहीं, मोस्टली सेम ही है. तो लेट अस कम डाउन टू द टॉपिक. एक्सरसाइज थ्री, राइट? सॉरी, एक्सरसाइज टू. सेकंड ना. आज जितना हो पाएगा डिस्कशन उतना डिस्कशन ही करेंगे. एक मिनट. या एक्सरसाइज टू का क्वेश्चन कौन सा बोला? 32. ओके, ठीक है ठीक है. 32. व्हेन टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो इज हीटेड, व्हेन टेट्रा कार्बोनिल निकल इज हीटेड इट डिसोसिएट्स इनटू इट्स कंपोनेंट. तो देखो, टेट्रा कार्बोनिल का मतलब ये हो गया, और इसको हीट करोगे तो इसके कंपोनेंट्स ये हैं, इसमें ये डिसोसिएट हो जाता है. ठीक है, इफ 5 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड इज हीटेड, इसके 5 मोल्स लिए गए, ठीक है, एंड रिजल्टेंट गैसियस कंपोनेंट इज एब्सॉर्ब बाई सफिशियंट अमाउंट ऑफ I2O5. अब ये जो गैसियस कंपोनेंट है तो कौन है बताओ? CO है ना, तो ये CO जो है इसको एब्सॉर्ब कर लिया I2O5 ने, ठीक है, लिबरेटिंग I2. चलो ये भी ठीक है, I2 लिबरेट कर लेता है. ठीक है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 4M हाइपो सोल्यूशन विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद दिस I2? ओके, तो अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि कितना वॉल्यूम हाइपो का लगेगा इसके साथ. हाइपो तो जानते हो ना, इट इज Na2S2O3. एवरेड इसकी बात हमने करी है. हाइपो इज Na2S2O3, ठीक है. तो इसके 5 मोल से इसका 20 मोल बनेगा, राइट? एवरेड इज दैट क्लियर? और ये देखो रिड्यूस हो रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज होगा ना, यहाँ पे आयोडीन रिड्यूस हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज होगा. इसमें कोई दिक्कत है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. ये समझ में आ रही है बात? ओके,
तो अब 20 मोल्स, सी जरा समझने की कोशिश करो, I2O5 जो है, अब देखो 20 मोल CO से I2 कितना बनेगा बताओ, रेडी, 20 मोल CO से I2 कितना बनेगा, 20/5 डिवाइडेड बाई I2 के मोल्स अपॉन 1, सो एन I2 इज हाउ मच, 4। कोई दिक्कत है इसमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 4 हो गए। एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, इज दैट क्लियर? ओके देन राइट इट डाउन। अब आगे का क्या करना है बताओ, पहले लिख लो इसको, राइट इट डाउन। एवरी डन, ओके। अब देखो I2 का जब हाइपो के साथ रिएक्शन होता है Na2S2O3 के साथ, तो ये बनाता है 2NaI प्लस Na2S4O6, तो ये 0 से जाता है -1 और ये +2 से जाता है +2.5, तो इस तरह से n फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और इसका n फैक्टर क्या है, 2 आएगा, राइट। तो अब लगा दो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स I2 के कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स I2 के हो गए 4, तो 4 इंटू एन फैक्टर 2 इज इक्वल टू इसका मोलैरिटी 4 इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर 1, कितना आएगा एवरीबॉडी, कितना आ रहा है बताओ, 2 लीटर आ रहा है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, ये हमने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इक्वेट किया है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ I2 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ हाइपो। कोई डाउट है, एवरीडी क्लियर? ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट है मुझे 34 है ना, करते हैं। AgNO3 on reaction with hypo gives white precipitate which changes to black after some time. The oxidation state, देखो AgNO3 जो है क्या लिखा है यहाँ पे, एक सेकेंड, AgNO3 रिएक्ट कर रहा है हाइपो के साथ, हाइपो इज Na2S2O3, लास्ट स्लाइड में आने से दे, राइट डाउन। डन, रिकॉर्डिंग से लिख लोगे, ठीक है फिर। अब देखो क्या है, AgNO3 रिएक्ट करेगा तो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो प्रेसिपिटेशन वाले रिएक्शन में आपको समझ में आना चाहिए कि कुछ ऐसा ही होता है ना, Ag2S2O3 बनता है। एवरीडी इज दैट क्लियर नॉट, एवरीडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, ये वाली बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। AgNO3 सपोज Na2S2O3 के साथ रिएक्ट करेगा तो Ag2S2O3 बनेगा और साथ में H2SO4 बनेगा, ऑब्वियसली ये डबल डिस्क H2SO4 बोल रहा हूँ, सॉरी Na2SO4 बनेगा, NaNO3 बनेगा, क्या है, NaNO3 बनेगा, राइट। इस केस में फिर से Ag2S2O3 जो है वो किस कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, देखो Ag2S2O3 जो है ना एक्चुअली डिकम्पोज हो जाता है, ये इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है तो इसकी अभी टेंशन मत लो, ये फाइनली सल्फाइड बनाएगा, ठीक
ठीक है, ये सल्फाइड बनाएगा। तो ये रिएक्शन अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, डी ब्लॉक ए ब्लॉक में पढ़ोगे तो ये माइनस टू होगा। तो फॉर नाउ लिव इट, बिकॉज दिस इज अ पर्टिकुलर रिएक्शन, हम इसको भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताइए। थर्टी, एक सेकेंड, इफ 10 ग्राम ऑफ V2O5 सैंपल, एक सेकेंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना। 10 ग्राम तुम्हारे पास एक V2O5 सैंपल है जिसका मास है 10 ग्राम, ठीक है। इज डिजॉल्व इन एसिड एंड इज रिड्यूस्ड बाय रिड्यूस्ड टू V2+ बाय जिंक मेटल, यानी इसका रिएक्शन अपन जिंक से कराएंगे, ठीक है। ओके, तो अब जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा Zn2+ में और ये V2+ में जा रहा है, यानी V2+, ठीक है, V2+ ही लिख लेते हैं, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ Y2 कुड बी फर्दर यूज्ड इफ द सॉल्यूशन इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू, ठीक है, देखते हैं। पहले तो इसको बैलेंस कर लें एवरीवन। यहाँ पे +5 से +2 में गया, तो ये रिडक्शन है, चेंज 3 का है, और ये 0 से +2 में ऑक्सीडेशन है, चेंज 2 का है, तो 2 2 और ये 3 3। कोई दिक्कत है एवरीबॉडी, यहां तक तो ठीक है ना। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पर एक्चुअली में चेंज जो है वो ज्यादा है, इट इज 6, क्योंकि 2 एटम्स है, राइट। यहाँ पर चेंज ज्यादा है 6, तो इसको समझ में आया, यहाँ चेंज ज्यादा है, 2 एटम्स है ना, 6 होगा और यहाँ 2 होगा, तो इसमें डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई करें। ये वाली बात क्लियर हो गई होगी सबको, इधर 5H2 और इधर 10H+। ये रिएक्शन कैसे बैलेंस किया, इसमें किसी को डाउट है क्या एवरीबॉडी, इसमें किसी को डाउट है रिएक्शन कैसे बैलेंस किया, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या बोला है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ I2 कुड बी यू रिड्यूस्ड बाय रिजल्टिंग सॉल्यूशन इफ फर्दर ऑक्सीडाइज्ड। अब देखो फर्दर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, तो अब V2+ जो है इट इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय I2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O एंड V2+ इज गोइंग टू VO2+, तो अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताओ, +4 है, राइट, इट इज गोइंग टू VO2+, राइट, एंड ऑब्वियसली ये I2 है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रिड्यूस हो जाएगा, है ना, तो इसका चेंज भी 2 का है और इसका चेंज भी 2 का ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अब यहाँ पे सीधा 2H+ कर दें, नहीं इधर दोनों तरफ बराबर ही है ऑक्सीजन, एक सेकंड देख लेते हैं, हाँ बराबर है, ठीक है, हो गया। तो ये फाइनल रिएक्शन हमें एक और मिले, तो अब हम मोल वोल एनालिसिस कर सकते हैं क्या एवरीबॉडी। अब देखो अपने पास रिएक्शंस तो आ गए हैं, तो अब अपन मोल मोल एनालिसिस कर सकते हैं क्या या नहीं कर सकते। अब जरा सोचो क्या कर सकते हैं, अब तो रिएक्शन सारा लिख दिया। जैसे देखो यहाँ पे मोल मोल एनालिसिस ही कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसका 10 ग्राम का मोल, कितने मोल हो गए इसके, 10/V2O5, 51 × 2+80, ये कितना मोल हुआ, इसका 1 मोल से इसका 2 मोल बनता है, so you can use that relation as well, बताओ कितना आ रहा है। Already ये बत करके दिखवाई या समझा दूं, Already कुछ तो बोलो, देखो यहाँ पे सपोज ये ए नॉट है, तो यहाँ पे 2A0 आएगा, और ये जो 2A0 को अपन B0 बोलते हैं, तो ये B0 × n² 2 है, और I2 का n फैक्टर जो है हाउ मेनी मोल्स, तो ये B0 तो निकल जाएगा, n I2 × अगेन 2, तो यहाँ तुम इससे n I2 निकाल सकते हो, मोल मोल एनालिसिस डायरेक्टली यूज कर सकते हो, एक्चुअली में ये B0 ही n I2 आएगा, ठीक है, तो B0 निकालो सीधा सा,
इज दैट क्लियर एवरीबडी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए प्लीज। नेक्स्ट लिखना है ये, थर्टी सिक्स। Thirty-six. What will be the volume strength of 100 ml of H2O2 solution required to completely react with? ठीक है। देखो H2O2 का n factor अपन जानते हैं दो होता है, और KMnO4 का acidic medium में n factor ठीक पांच होता है, right? Everybody, is that clear? अब एक और information क्या दिया है कि KMnO4 जो है, सॉरी जस्ट मिनट, एक और इन्फॉर्मेशन दिया है कि KMnO4 जो है उसका 61 ml, उसका 61 ml जो है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है रिएक्ट्स विद। अच्छा ठीक है, अच्छा ये तुम्हें याद आ रहा है हमने इसका n फैक्टर निकाला था K4FeCN6 का? एवरीबॉडी ये कुछ याद आ रहा है? ये मैंने क्वेश्चन दिया था और कहा था कि ये बड़ा फेमस हुआ, इसका n फैक्टर 61 आया था, करके दिखा दूं। प्लस 2 से ये प्लस 3 है, ठीक है, ये देखो माइनस 3 से प्लस 5 है, और ये कितना है Cn माइनस होता है, x माइनस 3 इज माइनस 1, ये प्लस 2 है से प्लस 4 है, तो n फैक्टर 61 होता है, राइट? तो अब 61 जो इसका n फैक्टर आया मल्टीप्लाइड बाय 5 इनटू इसका मोलारिटी 5 ml, 1 सॉरी 1, this should be equal to 61 ml into इसका molarity into इसका n factor, तो इससे KMnO4 का molarity निकल जाएगा ना यहाँ से। Everybody, KMnO4 का molarity निकल जाएगा ना, ये समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। इनफैक्ट देखो ना ये कैंसिल हो जा रहा है, ये तो वन आ रहा है। Everybody, ये वन आया ना, तो अब ये इसका मोलारिटी 1 है, n फैक्टर 5 दिया है, और तो अब तुम्हें क्या बोलना है 100 ml, ये 100 ml लिया हुआ है और ये कितना लिया हुआ है 61 ml, तो अब तो बड़ा आसान हो गया, अब इक्वेट कर दो n1v1 = n2v2। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अब तो बहुत इजी हो गया, अब करके बताओ कितना आता है। कर सकते हो इक्वेट, बट उसमें मोलैरिटी चाहिए होगा ना श्रेयस, मोलैरिटी है नहीं ना क्वेश्चन में अवेलेबल, मोलैरिटी कहां से लाओगे? डायरेक्ट इक्वेट कर दोगे, करना तो वही है, बट मोलैरिटी चाहिए ना। K4FeCN6 का 1 है, तो उसी से तुम तो KMnO4 का निकालोगे ना, तुम्हारा रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? रिएक्शन तुम्हारा H2O2 के साथ हो रहा है ना, KMnO4 के साथ, और तुम्हें H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है। अरे ये समझ में आ रही है सबको बात कि हमें क्यों जरूरत है ये रिएक्शन करने की? क्योंकि हमें मोलैरिटी नहीं दिया है क्वेश्चन में KMnO4 का, और यदि हमें ना ही पता होगा तो हमें नॉर्मैलिटी नहीं निकलेगा H2O2 का, और जब उससे वो नहीं निकलेगा तो हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहां से निकालेंगे? Is that clear? POHC के जैसा नहीं लगेगा ना ये, एटम्स कॉमन है ही नहीं। नेक्स्ट Igniting MnO2 in air converts it quantitatively to Mn3O4. In such condition, देखो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन, 41 पूछ रहे हो।
मिक्सचर ऑफ 0.002 मोल है। KBrO3 एंड 0.01 मोल ऑफ KBr, ठीक है, वॉज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ KI। इसको अपन ट्रीट करते हैं एक्सेस ऑफ KI के साथ एंड एसिडिफाइड। चलो अच्छी बात है, एसिडिफाई भी कर दिया। द वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड टू लिबरेट टू कंज्यूम द लिबरेटेड आयोडीन। अच्छा देखो ये रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन सबको पता है ना, बी आर माइनस एंड बी आर ओ थ्री माइनस डिसप्रोपोर्शनेट करेगा, राइट। ये रिएक्शन KMnO4 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? सलोनी KMnO4 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ उस क्वेश्चन में निकालने के लिए दिया ही नहीं है। अरे वॉल्यूम स्ट्रेंथ किसका निकालना है भाई? सलोनी क्वेश्चन में वॉल्यूम स्ट्रेंथ किसका निकालने बोला है? H2O2 का निकालने बोला है। ठीक है, करके दिखाता हूँ। देखो ये मान लो N1H2O2 की बात है, तो इसका 100 हो गया, N2 1 × 5, और इसका वॉल्यूम है 61, ठीक है 61। तो नॉर्मलिटी क्या आएगा? 61 × 5/100। नॉर्मलिटी क्या होता है? V/5.6, तो इससे V निकल जाएगा ना। इज दैट क्लियर सलोनी? नाउ देखो अभी क्या है ना, जैसे हम लोग थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस इजी नहीं है, मतलब ये एडवांस लेवल के आ गए ना, समझ में आ रहा है? तो इसमें तुम्हें थोड़ा तकलीफ तो होगा ही, तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना होगा। टेक इट एज ए चैलेंज, एज एन अपॉर्चुनिटी, कि तुम्हारे पास एक मौका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं, मतलब देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, तो नहीं होता है तो ये आम ही है, हमें इसको चैलेंज लेकर के सॉल्व करना है। क्लियर? ऐसा है क्या कि नहीं हो रहा है सॉल्व? कुछ लोग बोल रहे हैं कि हो रहा है सॉल्व, ठीक है। ओके अभी देखो क्या है कि 0.02 मोल ऑफ KBrO3 है और 0.01 मोल ऑफ KBr, ठीक है। अब क्या लिखा है, इसको ट्रीट किया एक्सेस ऑफ KI के साथ और एसिडिफाई कर दिया, ठीक है ना। एक्सेस ऑफ KI के साथ ट्रीट किया और एसिडिफाई किया, तो अब पूछ रहा है द वॉल्यूम ऑफ 0.1 mNa2S2O3 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू कंज्यूम द लिबरेटेड आयोडीन, ठीक है। तो तो देखो सबसे पहले तो BrO3 माइनस को ट्रीट किया है किसके साथ? KI के साथ, यानी I माइनस के साथ। तो अब ये रिएक्शन क्या होगा? I माइनस बताओ क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा और ये Br माइनस रिड्यूस हो जाएगा। पहला रिएक्शन तो ये है, +5 से -1, n फैक्टर आ जाएगा 6, और ये -1 से 0, n फैक्टर 2 हो जाएगा। तो इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं? 6H+ BrO3 माइनस +6 I माइनस गिव्स 3 Br2 प्लस Br माइनस प्लस 3H2। कोई दिक्कत है इसमें एवरीबॉडी? ये रिएक्शन क्लियर है ना? एवरीबॉडी ये रिएक्शन क्लियर है कैसे लिखा हमने? तो अब बताओ हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप? एवरीबॉडी टेल मी व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप। कोई बताएगा अब हमें क्या करना चाहिए? हमने रिएक्शन लिख लिया उसके बाद, तो देखो एक तो यहां से I2 बन रहा है, ठीक है, और दूसरा बोल रहा है कि
केबीआर को ट्रीट, तो KBRO3 है, फिर केबीआर को ट्रीट किया, ठीक है। तो केबीआर क्या करेगा, देखो केबीआर यानी बीआर माइनस, ठीक है, आई माइनस, तो बीआर माइनस और आई माइनस का कोई रिएक्शन होगा। एवरीबॉडी तुम्हें लगता है बीआर माइनस और आई माइनस का कोई रिएक्शन होना चाहिए? नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों आयंस है ना, एक आई टू होता तो होता, तो यहाँ पे जो इसके साथ तो कोई होगा ही नहीं। तो अभी यहाँ पे ये वाला केस जो है, ठीक है, तो अब इसमें इक्वेट कर लेते हैं, 0.002 into 3 n फैक्टर इसका कितना है, +5 से -1, 6, 2 हो जाएगा, है ना, 6 है। और I2, और देखो इसका, इसके ये हो जाएंगे, एक सेकेंड थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ, लास्ट सिद्धेश पूछ रहे हैं लास्ट इक्वेशन में V अपॉन 5.6 कैसे आया? अरे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 पढ़ा था सिद्धेश, यहाँ हमने सीखा है ना ये कि नॉर्मैलिटी ऑफ H2O2 इज वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ अपॉन 5.6, तो वहां से आया ये। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर नॉट? नाउ I2 जो है, इट विल फर्दर रिएक्ट विद Na2S2O3। रिएक्शन बैलेंस किए बिना भी एन फैक्टर लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हो बिल्कुल, वो तो देखना है ना कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट क्या बन रहा है। एवरीबॉडी रिएक्शन बैलेंस करके बिना हम नहीं लिख सकते क्या रिएक्शन का एन फैक्टर? सिर्फ H2O2 स्ट्रेंथ ही क्यों निकाल सकते? अरे क्या पूछ रहा है, सिर्फ H2O2 की स्ट्रेंथ ही क्यों निकालने को पूछता है? अरे ये तो कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी थोड़ी सिर्फ स्ट्रेंथ ही पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। यहां पर पूछा है, ऐसा तो पूछा है नहीं कि एक ही चीज पूछेगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज पूछते हैं। ठीक है महावेश, H2O2 को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों? अरे भाई एक्सेप्शनल कंपाउंड है, अलग टाइप के रिएक्शन देता है, तुमको उसकी इंपॉर्टेंस से क्या प्रॉब्लम है? इंपॉर्टेंस दिया गया है भाई, तो मिल गया है उसको। अच्छा देखो, अब मैंने इक्वेशंस लिख दी हैं सारी, और इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी लिख दिए BrO3 माइनस के। अब तो तुम बताओ क्या करना है, ये रिएक्शन में तो सारा इक्वेशन लिख दिया ना मैंने, अब तो बता ही सकते हो क्या करेंगे, बताओ आप क्या करें। बेसिकली ये जो I2 बन रहा है वो इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 को इक्वेट करना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो से, और हाइपो का भी आपको नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 जो भी है इक्विवेलेंट है ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इसको तुम इक्वेट करोगे 0.1, इसका n फैक्टर होता है 1, और v, तो यहां नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स देख लो इक्वेट करके, और उसके बाद आंसर आ जाएगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है, इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट देखो ना कितना है, यहाँ पर इसी से इक्वेट करो ना, ये आ जाएगा तुम्हारा 0.002 into 6, और ये वॉल्यूम किसमें आएगा एवरीवन, वॉल्यूम किसमें आएगा ये एवरीवन, ये वॉल्यूम किसमें आएगा, ML में आएगा या लीटर में आएगा? एवरीवन ये लीटर में आएगा, क्योंकि हमने कहीं भी मिलीलीटर यूज किया ही नहीं, इसको ML में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये वॉल्यूम आएगा किसमें, लीटर में, अब निकाल लो कितना आ रहा है। आगे बढ़ सकते हैं ऑलरेडी, ओके 43।
43 एक सेकंड है ना। अच्छा आज लगता है सारा हो पाएगा 1 घंटे में? कल तुम लोग का मेंस का टेस्ट है ना, एवरीडे कल मेंस लेवल का ही है ना टेस्ट? ठीक है तो जितना होगा उतना करेंगे, क्योंकि ये सब तो एडवांस वाले लेवल का, मैं हमने तो इजी वाले कर ही लिए। ठीक है, 2 ग्राम सैंपल ऑफ सब्सटेंस, अननोन सब्सटेंस, अ 2 ग्राम सैंपल ऑफ अननोन सब्सटेंस वेज 20 रिक्वायर्स 25 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ टाइट्रेशन। इट इज फाउंड दैट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस इज एग्जैक्टली 100 टाइम्स द नॉर्मलिटी ऑफ टाइट्रेंट। अच्छा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसको, लग रहा है खतरनाक टाइप, पढ़ लेते हैं। 2 ग्राम सैंपल है अननोन सब्सटेंस का जो कि रिक्वायर करता है 25 ml सॉल्यूशन, है ना? और दूसरा लिखा गया कि परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द सैंपल इज एग्जैक्टली 100 टाइम्स द नॉर्मलिटी ऑफ टाइट्रेंट। ओके एक सेकेंड रुक जाओ। देखो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस इज सैंपल, ये सिर्फ परसेंटेज प्योरिटी यदि एक्स है तो 100 टाइम्स नॉर्मलिटी है, तो 100 टाइम्स नॉर्मलिटी यानी कि 100 n होगा। यदि परसेंटेज प्योरिटी एक्स है, जैसे एक्स मान लो परसेंटेज प्योरिटी है, तो नॉर्मलिटी क्या होगा? सब्सटेंस की परसेंटेज प्योरिटी यदि एक्स है तो नॉर्मलिटी ऑफ टाइट्रेंट क्या होगा? एक्स बाई 100 ना, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। Ready? Is that clear? यहाँ x by 100 होना चाहिए ना, तो अब 25 ml है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो 25 into x by 100 कर देते हैं मोलारिटी, समझ में आया? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। अब इसका 100 टाइम्स है क्या है? इसका गिवन मास बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या करेंगे? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है? ठीक है एवरीबॉडी। अब परसेंटेज प्योरिटी इसका है एक्स बाई 100 एक्स है, तो हम क्या करेंगे उस केस में? एक से मुझे जैसे परसेंटेज प्योरिटी जैसे 80 होता है तो 80% लेते हैं ना, तो 2x/100 ई आना चाहिए। समझ में आ रहा है कुछ? Everybody, is that clear or not? ठीक है, तो x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाओ। तो आपका e कितना बना? Everybody, e कितना बना? e कुछ गड़बड़ बन रहा है, e कितना बना देखो 25 e। अच्छा एक चीज यहाँ पर ध्यान दे रहे हो, यहाँ पर ये एक्चुअली हमने मिली लिया है। एवरीडी ये समझ में आ रहा है कुछ? हमने ये जो लिया है मिली है, मिल लिया ना, तो यहाँ बाई 100 बाई 1000 भी तो आएगा। एक सेकंड रुक जाओ, ये मिली लिया है थोड़ा तो गड़बड़ हो गया ना, 25 बाई ये आना चाहिए 1000 एक्स बाई 100, ठीक है? और परसेंटेज प्योरिटी है 2x बाई ये 100 e। ठीक है तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये कितना आ रहा है जरा देखो, ये 25 e इज इक्वल टू 2000, तो e आ रहा है 80। चेक कर लो आंसर 80 है, चेक कर लो। ठीक है फिर यही आंसर है, कोई डाउट? समझ में आया सबको? लिखना है ये
नहीं कुछ 44 भी बोल रहे थे ना कुछ लोग। देखो MnO2 को इग्नाइट करने पे Mn3O4 बनता है, इज दैट क्लियर एवरीडी? MnO2 को इग्नाइट करने पे Mn3O4 बनता है। तो इसको तुम खुद सोचो, अब खुद सोचो इसका एक मोल से जैसे इसको तुम बैलेंस करोगे तो ऐसा कुछ बनेगा, ए बाई एक मोल से 1/3 बनता है, राइट? ठीक है ना, एक मोल से 1/3 मोल बनता है। तो इसका मास क्या है देखो, 55 + 32 यानी 87 ग्राम से 1/3 इंटू 55 × 3 + 16 × 4 ये बनता है। तो यह 165 + 32 ये कितना आ गया, 197/3। 197/3 कितना आता है एवरेडिंग, 76 पॉइंट समथिंग आता है, राइट? ये 64 है, सॉरी, हाँ 64 है। तो ये देखो कितना आता है, सॉल्व करके बताओ ये कितना आ रहा है एवरेडिंग, ये वैल्यू कितनी आ रही है? एवरेडिंग ये वैल्यू कितनी आ रही है, 76 आ रही है, 76.33। तो अब देख लो कितना परसेंट लॉस हो रहा है, एवरेडी समझ में आया कितना लॉस हो रहा है, 87 - 76.33/87 × 100, दिस इज द परसेंटेज लॉस, इज दैट क्लियर? ओके फोर्टी नाइन है ड्यूरिंग आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन द मीडियम इज मेंटेन्ड अल्कलाइन, आयोडीन अंडरगोज ऑक्सीडाइजेशन इन स्ट्रॉन्गली। देखो आयोडीन तो स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट करता है, हमने इस तरह के रिएक्शंस तो पढ़े हैं ना, रेडी ये तो हमने पढ़े हैं ना, रेडी से यस और नो कुछ तो बोलो। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट तो गलत है ना, मीडियम तो हम लोग एसिडिक रखेंगे, अरे ये तो रिएक्शन होती है स्ट्रेस, ये तो रिएक्शन होती है, पी ब्लॉक में पढ़ोगे अभी, तो ये रिएक्शन याद करना ही है हमें। देखो मोल कॉन्सेप्ट या रेडॉक्स कॉन्सेप्ट में रिएक्शन क्यों होता है हम इसकी बात थोड़ी करते हैं, जो रिएक्शन होता है उसमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। जैसे मोल में ये भी थोड़ी हम बोलते थे कि भैया कैसे कितना बनेगा, हम तो ये बनते थे कि ये रिएक्शन हो रहा है इसके हिसाब से कितना बनेगा, रिएक्शन नहीं बताते हम यहाँ, रिएक्शन क्यों होता है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, रिएक्शन के थ्रू कैलकुलेशन करना है हमें, मोल चल रहा है मोल टू ए, या बात करेंगे ही नहीं रिएक्शन क्यों हो रहा है। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट 48 द अमाउंट ऑफ KNO4 यूज्ड अगेंस्ट पर्टिकुलर टाइट्रेट इज मोर विथ HTSO4 एंड देन विथ HNO3। एक्चुअली मैं HNO3 के साथ ना रिएक्ट कर जाता है, है
एक्चुअली HNO3 भी रिएक्ट कर जाता है, ये दिक्कत है एवरीडी। ये तो 48th की जो बात थी, 49th तो बात किया ना सिद्धेश, 49 की बात तो हमने करी ना कि वहां पे एक्चुअली में डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है अल्कलाइन में, रिडक्शन नहीं होता, बात तो करी ना वहां पे इसकी। क्लियर है? ओके, नाउ 49 के बाद नेक्स्ट बताइए। 48 समझ में आया? 48 एक्चुअली केम इन ऑफ, देखो ये भी HNO3 का रिएक्शन है कि HNO3 भी रिएक्ट कर जाता है, इसका रीजन वही है 49 का, 48 का, तो याद रखने की चीज है। HNO3 आल्सो रिएक्ट्स विद द टाइट्रेट, ये रीजन है। ठीक है, एवरीडी समझ में आया 48 या नहीं आया, कुछ तो बोलो। अरे H2SO4 रिएक्ट नहीं करता, HNO3 भी रिएक्ट कर जाता है तो चेंज कर देता है प्रोडक्ट। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट 52, 52 52। अच्छा तुम लोग को इसका सोल्यूशन मिला है क्या एवरीडी? ये जो सोल्यूशन है वो तो मिला है ना? ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिफ्टी पे आ जाते हैं। 50 क्वेश्चन क्या है कि व्हेन अ सर्टेन इक्विवेलेंट ऑफ N2H4, सर्टेन इक्विवेलेंट ऑफ N2H4 इज एडेड टू 30 ml ऑफ 1 molar K3FeCN6, देन N2O4 ऑक्सीडाइजेस इनटू N2 एंड K3FeCN6 रिड्यूसेस एंड K3FeCN6 रिड्यूसेस टू K4FeCN6। ओके ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोल रहा है। N2O4, अच्छा N2H4 में बताओ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है एवरीडी? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन N2H4 एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन H2H4? -2। ठीक है, तो अब ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? रिएक्ट कर रहा है K3FeCN6 के साथ। तो K3FeCN6 में K3FeCN6 का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, फिर ये K4FeCN6 में जा रहा है, ठीक है, तो ये +2 है, तो अब ये क्या हो जाएगा और ये किस में जा रहा है? N2 में, तो ये 0 है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन का एन फैक्टर कितना हो गया? 4, और रिडक्शन का 1, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? एवरीडी 4 मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो अब क्या करना है तुम्हें बताओ, अब तुम मोल एनालिसिस भी कर सकते हो तुम, अब तो बहुत आसान हो गया ना। एवरीडी अब तो इक्वेट कर दो डायरेक्टली, एन फैक्टर भी दे दिया, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्टी टू, फिफ्टी टू क्या है? अ सॉल्यूशन इज कंटेनिंग, एक सॉल्यूशन है जिसमें 2.5 ग्राम, 2.52 ग्राम पर लीटर है क्या एक रिडक्टेंट। यू हैव 2.52 ग्राम पर लीटर ऑफ रिडक्टेंट, 25 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड। ओके अच्छा एक बात बताओ, 1 लीटर यानी कि 2.52 ग्राम है 100 ml में, 1000 ml में इनफैक्ट, इज दैट क्लियर? Everybody, is that clear? 2.52 ग्राम है 1000 ml ऑफ रिडक्टेंट में, इसे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? तो अब इसमें से लिया कितना इन्होंने? 25 ml लिया, यानी 25/1000 इंटू इतना ग्राम आया होगा ना, ये बात समझ में आ रही है? एवरीडी
ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, तो अब पूछा गया है, देखते हैं। अब देखो ऑक्सीडेशन के लिए, अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KNO4 एसिडिक मीडियम में जिसका एन फैक्टर 5 होता है, यह आ जाएगा 20 इंटू, लेट से 20/1000 कर देते हैं, इंटू 0.01 इंटू 5। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द टू एटम्स, गिवन दैट फॉर ईच ऑफ द टू एटम्स व्हिच सब अंडरगो बाय पर मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट सफर इट इंक्रीज बाय वन एटम। तो इसका एन फैक्टर क्या लगता है तुम्हें, क्या हो गया एवरीबॉडी? इसका एन फैक्टर 2 हुआ ना, तो इसका एन फैक्टर 2 है, तो इसमें कैसे निकालोगे इक्विवेलेंट? ये तुम्हारा मास है, ठीक है, और तो पूछा गया है भाई मोलर वेट, ठीक है, तो इसका ये मास है, तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे? इसका मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? जो गिवन मास है अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है, तो इसको इक्वेट कर देना। एवरीडी कैन वी इक्वेट नाउ? समझ में आया नहीं आया? जैसे ये गिवन मास है, ठीक है, और अपॉन मोलर मास क्या आएगा? इक्विवेलेंट मास तो ये आएगा, इसको इक्वेट करो और सॉल्व करो एम के लिए। कोई दिक्कत है? ओके देन राइट इट डाउन। एन फैक्टर 2 ही लिया है ना, चलो नहीं, एन फैक्टर 2 ही लिया है। क्वेश्चन 55, ठीक है। व्हेन FeCl3 इज अलाउड टू रिएक्ट विद Na2C2O4, देखो FeCl3 को रिएक्ट करवा रहे हैं Na2C2O4 के साथ, राइट, इट फॉर्म्स फेरिक ऑक्सिलेट, तो ये बनाता है फेरिक ऑक्सिलेट, ठीक है, यानी कि यही है Fe3+ का तो कोई रोल है रहा नहीं फिर यहाँ पे, समझ में आ रहा है? अरे फेरिक तो +3 में ही रहता है। एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन चैट बॉक्स, इज दैट क्लियर? तो एक सेकंड, तो ये बन जाएगा फेरिक ऑक्सिलेट, तो सीधा फेरिक ऑक्सिलेट ही लिखते हैं ना, Fe2C2O4 होल थ्राइस बन जाएगा, प्लस CO2 बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर ही काम है, सीधा फेरिक ऑक्सिलेट ही लिखते हैं, Fe2C2O4 होल थ्राइस फेरिक ऑक्सिलेट, इट फॉर्म्स व्हिच ऑन रिएक्शन विद, देखो अब इसको Cr2O7 2- के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये बन जाएगा 6 CO2। ये समझ में आ रहा है सबको? एवरीबॉडी इसका एन फैक्टर क्या है? 6 है, और इसका +2 से +3 और एटम 6 हो गए, तो इसका भी एन फैक्टर 6 ही हो गया ना। एवरीबॉडी इसका एन फैक्टर 6 हो गया, समझ में आ रहा है? तो अब क्या करना है तुम्हें, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वेट करना है। कोई दिक्कत है? ओके देन राइट डाउन। FeCl3 53, रुक जाओ, 56 कोई क्वेश्चन ही नहीं है साथ तक, ठीक
ठीक है सिद्धेश, आई एम वेटिंग। एक सेकंड यार, रैंडम। डन एवरीवन। ओके नेक्स्ट बताइए देन। फिफ्टी थ्री करना है क्या? 53, 53 किसने पूछा था? ओके 53। कैलकुलेट द अमाउंट इन मिलीग्राम्स ऑफ SiO3 2 माइनस। ये SiO3 2 माइनस है इन सॉल्यूशन ऑन बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा। ठीक है, मतलब बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा देखो, तुम्हारे पास है KbRO3, m/20, m/40 है, 20 ml। ठीक है, 20 ml ऑफ m/40 सॉल्यूशन ऑफ KbRO3 वाज एडेड टू अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ SiO3, यानी इसको इसके साथ रिएक्ट करवाया। ठीक है, ठीक है, द ब्रोमीन गैस वाज इवॉल्व, इससे Br2 बना, ये भी ठीक है, Br2 बना, वाज रिमूव्ड बाय बॉइलिंग एन एक्सेस ऑफ KbRO3, ये बचा हुआ है इसका मतलब, वाज बैक टाइट्रेटेड विथ, अच्छा जो बच गया ये जो एक्सेस बचा उसको रिएक्ट करवा दिया किसके साथ? ASO2 के साथ। ठीक है, ASO2- के साथ रिएक्ट करवाया, 5 ml है, m/15। अच्छा ये तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? एवरीबडी एवरीबडी ये बात समझ रहे कि ये सब, ये जो है वो इसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है और इसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है, तो जो भी इक्विवेलेंट BrO3- के हैं दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ SiO3 2- प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ASO2-। ये बात समझ में आ रही है एवरीबॉडी? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। तो अब करना क्या, एक सीन देख लेते हैं। अब KrO3, अच्छा तुम ये बताओ यहां पे कुछ रिएक्शन लिखा है क्या? देखो यहाँ पे Br2 बन रहा है ब्रोमीन, यानी कि ये प्लस 5 से 0 बन रहा है, और ओके अब यहाँ पे क्या है, प्लस 5 से यहाँ पे ब्रोमीन ने, एक्चुअली ये ब्रोमीन, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे एक एक्चुअली दिक्कत ये है, ब्रोमाइड बनता है, ये रिएक्शन आपको याद नहीं होगी। ये रिएक्शन पता है क्या, यहां पर एक्चुअली ब्रोमाइड बनता है, पता है क्या हम लोगों? और ये बन जाएगा, ये +3 है ASO2- और ये है ASO3 2-, तो ये बन जाएगा +3 से +5। अच्छा लिखा तो है रिएक्शन में यार, रिएक्शन तो लिखा ही नीचे, रिएक्शन लिखा है, रिएक्शन लिखा है, हाँ वही तो, मुझे लगा रिएक्शन नहीं दिया क्या इन्होंने। सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन नहीं दिया था, मुझे लगा रिएक्शन नहीं दिया इन्होंने, अरे तब तो आसान है यार। मुझे लगा रिएक्शन नहीं दिया है क्या, रिएक्शन दिया है तब तो आसान है।
समझ में आ रहा है? अरे इसके इक्विवेलेंट इन दोनों के साथ इक्वेट करो, इतना ही तो है। ये जो है इसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है, इसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है, तो इक्वेट कर दो। ये इसके साथ रिएक्ट किया, जो बचा वो इसके साथ रिएक्ट किया, तो यही एक्चुअली में इन दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, राइट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर नॉट? एक्चुअली नहीं, दिक्कत है, कॉन्सेप्ट तो यही है। यदि डाउट है तो सोल्यूशन में देख लेना, तो मैं सोल्यूशन मिला होगा, बट इसमें एक्चुअली ज्यादा कुछ डिफिकल्टी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? बाकी किसी ने ट्राई किया, किसी का ये सॉल्व हुआ है? एवरीडी किसी का सॉल्व हुआ है? ऐसे ही किया है, मतलब कुछ और मेथड यूज किया है? ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये तो हो ही जाना चाहिए। मुझे ऐसा कोई दिक्कत है तो बताओ, यही है। नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये जानते हो क्या है? दिस इज क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये अभी करोगे? वैसे कर तो सकते हो एवरीडी। ये जो है ना, तुम पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक होता है एस्टिमेशन ऑफ कंपाउंड्स, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ कंपाउंड्स, वो है पहला क्वेश्चन। करें अभी? ठीक है चलो कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करते हैं। वो चैप्टर तुम्हारा हो गया ऑर्गेनिक में, जेल्डाल्स मेथड, ड्यूमास मेथड, तो फिर क्यों दिक्कत आ रही है? फिर ये जेल्डाल्स मेथड है, ठीक है? एवरीबॉडी दिस इज जेल्डाल्स मेथड। तो दिक्कत नहीं आना चाहिए फिर। नेक्स्ट बताइए। एट सेवन, उसके पहले भी किसी ने कुछ पूछा था। 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक सेकेंड, 4 पे आ जाते हैं। डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड इज ऑक्सीडाइज टू CO2। ठीक है, लिख लेते हैं इसको हम CHCl2COOH। इसको ऑक्सीडाइज कर दिया CO2, H2O और Cl2 में, बाय 100 मिलीक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, 100 मिलीक्विवेलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू द सेम अमाउंट ऑफ एसिड कैन यूटिलाइज हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम डाइक्लोरो एसिटेट। खतरनाक। चलो ठीक है, देखते हैं। सी यहाँ पे तुम खुद सोचो, यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है एवरेज? इसमें पूरा स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ जाएगा। एवरीबॉडी ये बताओ, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट एवरेज कितना है? एवरेज बता दो। क्लोरीन का तो -1 है और यहाँ 0, ठीक है? ऑक्सीजन का तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो ये देखो डायरेक्टली तुम निकाल के बता सकते हो। वैसे 2x+1 -2, राइट? +2 और ये हो गया -4, तो ये आ जाएगा कितना? नहीं, गलत आया कुछ। ये वाला कितना है ऑलरेडी? ये +3 है। और ये वाला कितना है? ये +1, तो +2 आ रहा है एवरेज। एवरेडी +2 आ रहा है ना एवरेज? एवरेडी एवरेज क्या आ रहा है? +2 आ रहा है, चेक करो एक बार। एवरेज +2 आ रहा है, तो
अब जैसे हमने निकाल लिया कि एवरेज जो है वो आ रहा है अपना +2, तो यहाँ पे आ गया +4, तो ये देख लो इसका एन फैक्टर कितना आया, ओवरऑल एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर आ गया तुम्हारा, एक तो दो एटम्स है यहाँ पे, तो 4 -2 × 2 +0 -1 × 2, तो ये कितना आ जाएगा एवरी, ये कितना आ जाएगा, ये तो 6 आएगा ना, कोई दिक्कत है एवरी? हाँ ना, कुछ तो बोलो। अब ये 6 है, अब इसको 6 n फैक्टर है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स या फिर मिली मोल्स इनटू इसका n फैक्टर 6, इसको इस 600 इक्विवेलेंट पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट? ठीक है, तो इसका मिली मोल्स कितना आया, जरूरत क्या है हमको, तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस यूज करना है ना एवरीडी, जरूरत है क्या एवरीडी, जरूरी है नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स हो गए 0.1, तो तुम्हारे पास 0.1 मोल है, राइट? एवरीडी इज दैट क्लियर, 0.1 ये लिखना है, एवरीडे लिखना है क्या? नहीं ना, तो अब अरे कहाँ, क्वेश्चन खत्म हुआ है क्या एवरीडे, अभी क्वेश्चन खत्म हुआ है क्या, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है एवरीडे, द क्वेश्चन ओवर, कुछ तो बोलो। अरे कहाँ खत्म हुआ, अभी पूछ रहा है क्या, द सेम अमाउंट ऑफ एसिड कैन न्यूट्रलाइज हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया टू फॉर्म क्लोरो, तो देखो अमोनिया का भी तो देखना पड़ेगा, अब यहाँ पर CH Cl2 COOH, अमोनिया के S का भी n फैक्टर 1 है और इसका भी n फैक्टर 1 है, तो इसके जितने मोल्स उतने इसके भी मोल्स, यही ना, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर, हुआ ना ये, ठीक है आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ओके 7 है, ठीक है, अ डाइल्यूट अ सॉल्यूशन ऑफ H2O2 इज लेबल 20V, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है किसका, H2O2 का, इसका लेवलिंग है 20V, ठीक है, इसको खोल दिया, ड्यू टू दिस सम H2O2 डिकम्पोज एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, ठीक है, इसको जैसे H2O2 को खोल दिया तो H2O2 डिकम्पोज हो गया और वॉल्यूम स्ट्रेंथ कम हो गया, ठीक है बढ़िया बात है, टू डिटरमिन द न्यू वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 10 ml ऑफ सॉल्यूशन वाज टेकन वाज डाइल्यूटेड टू 100 ml, अच्छा 10 ml को डाइल्यूट कर दिया 100 ml में, यानी मोलैरिटी पहले m था तो अब m/10 हो जाएगा, ओके अब 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन वाज टाइट्रेटेड अगेंस्ट 25 अंडर एसिडिक कंडीशन, अब इसका 10 ml यानी 10 इसका 10 10 इनटू m/10 इनटू n फैक्टर 2, ठीक है, इज इक्वल टू 25 इनटू 0.0245 इनटू n फैक्टर इसका 5, ठीक है एवरेडी, समझ में आ रही बात, अरे कुछ तो बोलो, नहीं बोलोगे, ओके ठीक है, तो इससे मोलैरिटी आएगा क्या एवरेडी, जो डिक्रीज्ड मोलैरिटी है वो आ जाएगा क्या,
इससे डिक्रीज मोलैरिटी आएगा ना, तो बताओ कितना आ रहा है। कितना आया ये? इससे कितना आ रहा है ये वैल्यू? या एक काम करो ना, सीधा यहाँ नॉर्मेलिटी यूज कर लो। नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी बता दो कितना है। 125 इंटू 0.0245, ये कितना आ रहा है? एवरेडी या जगह 3.06। .0625 आ रहा है, ठीक है। ये हो गया क्या? ये हो गया नॉर्मैलिटी। अरे नॉर्मैलिटी कैसे कैलकुलेट किया? नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ही तो इक्वेट किया है। Is that clear? नहीं समझ में आया। इनिशियली नॉर्मेलिटी n था, डाइल्यूट करेंगे तो n/10 हो जाएगा। तो 10 ml यूज किया, तो 10 into n/10, और इसका 25, KNO4 का n फैक्टर 5। नाउ क्लियर? तो नॉर्मेलिटी आपका 0.3.06 है, जो कि होता है v अपॉन 5.6। तो v निकालो। Is that clear now? Everybody is that clear? Last question की slide. Last question पे जाना चाहते हो? ठीक है, लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। और नीचे ले लो, नीचे स्क्रॉल कर दिया। डन। डन। ओके ओके, तो ये समझ में आया कि कैसे किया है वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैलकुलेट। एवरीडे आर यू क्लियर ऑन दिस? ओके, फिर नेक्स्ट बताइए। 19। ओके 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। हाँ कल मेंस का ही आएगा ना पेपर, तो कल पेपर मेंस का ही आएगा। द अमाउंट ऑफ वेट एन एवज कंटेनिंग 15% वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 70 लीटर ऑफ 0.5 N सॉल्यूशन इज। अमाउंट ऑफ वेट एन एवज कंटेनिंग 15% वाटर। अच्छा ये चीज है, 15% वाटर है, प्रिपेयर 70 लीटर्स। अच्छा देखो, 70 लीटर बनाना है हमें, तो 70 लीटर्स है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 70 into 0.5, 35 मोल्स चाहिए हमें उसके। इज दैट क्लियर प्रणव? इज दैट क्लियर? हमें एक्चुअली में 35 मोल्स ही चाहिए। 70 लीटर्स बनाएगा बट नॉर्मेलिटी 0.5 ही है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्विवेलेंट्स जो भी है भैया, n फैक्टर 1 है इसका, तो नंबर ऑफ मोल्स तो 35 ही होंगे ना। इज दैट क्लियर नाउ? नंबर ऑफ मोल्स तो 35 ही होंगे ना।
अब जब नंबर ऑफ मोल्स 35 हमने डिसाइड कर लिया है कि नंबर ऑफ मोल्स 35 होगा, तो अब 15% वाटर है, तो 85, तो मान लो टोटल सैंपल का मास एक्स है, तो प्योर NaOH 0.585 x होगा, ठीक है। तो अब ये कितना होना चाहिए, 35 इंटू मोलर मास ऑफ NaOH, इज दैट क्लियर। तो एक्स निकालो, यदि एक्स सैंपल का मास है तो NaOH का मास तो यही होगा, तो एक्स सॉल्व करो, 35 इंटू 40 अपॉन 0.85, देखो कितना आता है। और एक केजी में बोला है तो इसको 1000 से डिवाइड भी कर लो, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा 25, तो 35 ये आ जाएगा तुम्हारा, देखो कितना आता है, 1.65 kg अप्रोक्स। डन। ओके 19, जस्ट अ मिनट। सेवेंटीन, स्क्रोल अप, लिखना है कल्पेश, राइट ऑन दिस। ओके एक सेकंड रुकना ना, सेवेंटीन पे आते हैं। इफ 1 ml ऑफ 17 देखते हैं ना, इफ 1 ml ऑफ जो मेंस लेवल के डाउट्स हैं बता देंगे, मेंस लेवल के डाउट्स तो अपने हो ही गए ना सलोनी, अरे जो लेवल वन के एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज वन है, जो इंटे, वो सब तो हो गए ना अपने कवर। कल मेंस लेवल तो उसमें भी डाउट है क्या? एवरीडे आप लोग में से किसी को इंटेक्स्ट एक्सरसाइज में डाउट है क्या? इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7, नहीं कितना तक है? इंटेक्स्ट 1 2 4 में डाउट है किसी को? एक्सरसाइज वन में किसी को डाउट है क्या? इंटेक्स एक्सरसाइज और एक्सरसाइज वन में किस, तो सलोनी बताओ, वही कर देते हैं पहले, कल मेंस का टेस्ट है तो वही बताओ कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है। लीस्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, ये कौन सा सेक्शन है? अच्छा वो उसमें डाउट है, PYQ प्रीवियस ईयर पेपर, बताओ उसमें कौन कौन से क्वेश्चन मेंस लेवल वाले, कर लेते हैं। क्वेश्चन सिक्स, द अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें देर इज सम अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 प्रेजेंट इन सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स रिएक्शन विद KMnO4। अब इसका अपन रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? KMnO4 के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और इसमें अपन डालेंगे H2SO4 भी। The titration gives unsatisfactory result when carried out in the presence of HCl. देखो इसका रीजन यही है कि भैया HCl जो है ना रिड्यूस कर देता है परमैंगनेट को। देखो H2SO4 रिएक्ट नहीं करता, देखो ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, जैसा ऐसा समझो ये है मेन, तो ये ए है और ये बी है, ए और बी की शादी हो रही है, ठीक है, और ये क्या है, ये दर्शक है, दिस इज ऑडियंस, ये लोग का काम है आना, शादी में खाना खाना और चुपचाप जाना, समझ में आ रहा है? ये कैटलाइज करता है रिएक्शन को, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर?
अरे काम तो जैसे कि ए ए और बी का रिएक्शन होना चाहिए ना, तो H2SO4 तो ऑडियंस की तरह है, कैटलिस्ट है ना, इसका काम क्या है बताओ? अरे कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट ना करे, राइट? रिएक्शन की रेट बढ़ाए बट रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट ना करे, इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ काम क्या है, जैसे ए और बी की शादी हो रही है, तो इसमें H2SO4 का काम बस इतना है, ऑडियंस ही, तो आके खाना खा के चुपचाप जाना है, कुछ और नाटक नौटंकी नहीं करना। बट यदि ऑडियंस कुछ ऐसा है, मान लो ऑडियंस में कुछ ऐसे लोग आ गए जो कि दुल्हन को पटाके भगा के ले गए, तो वो तो गलत काम हो जाएगा ना। तो भैया इनका रिएक्शन होना चाहिए, तो ये ऑडियंस की तरह बिहेव करना चाहिए, इनका रिएक्शन इनके साथ और इनके साथ नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग को ऑडियंस में बुलाया भी नहीं जाता। समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो अब H2SO4 जो है ना, वो चुपचाप सराफस के साथ कैटलिस्ट की तरह काम करता है और इन दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट HCl जो है वो रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ? परमैंगनेट के साथ। समझ में आ रही बात? तो ये तो कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। HCl जो है वो रिएक्ट कर जाता है परमैंगनेट के साथ, तो इसलिए HCl यूज नहीं करते। आगे बढ़ सकते हैं? सलोनी इज दैट क्लियर? क्वेश्चन 8, व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड? देखो ये रिएक्शन का है, रहने दो, दिस इज नॉट इन दिस, दिस विल नॉट बी कवर्ड ओवर हियर। ना एक्चुअली एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 बनता है। देखो क्रोमेट होता है Cr4O2-, ये एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट बन जाता है, तुमने इसके रिएक्शन एसिडिक मीडियम में पढ़े हैं, और ये बेसिक मीडियम में बनता है, तो यही बनेगा बेसिकली। ये तो वैसे डी ब्लॉक में पढ़ते हैं, डाइक्रोमेट बनेगा और क्या। मिक्स टॉपिक से क्वेश्चन पूछ देते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में ना, वो तो कहीं से भी उठा देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर है तो कहीं से भी पूछ देंगे, उनका क्या है। ठीक है, ठीक है, अभी बताओ, लास्ट में कर सकते हो आप? ठीक है, तो आ जाते हैं वापस 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं वापस। 17 करना है, 17 करना था ना, 19। अरे 17 किसी ने पूछा था? 17 नहीं पूछा था, 17 पूछा था हाँ किसी ने। ओके 17 देखते हैं फिर। If 1 ml of KMnO4 solution, यदि आपके पास है 1 ml किसका, KMnO4 solution का, If 1 ml of KMnO4 solution reacts with 0.14 g, ठीक है, तो देखो KMnO4 में MnO4 react कर रहा है Fe2+ के साथ, तो हम जानते हैं कि इसको oxidize कर देगा Fe3+ में और खुद reduce हो जाएगा Mn2+ में। कोई दिक्कत है everybody? ठीक है, तो अब करना क्या है तुमको, इसके इक्विवेलेंट इक्वेट कर दो सबसे पहले। तो अच्छा और भी रिएक्शन लिख देते हैं, इतना ही नहीं, KH एक और रिएक्शन है, KHC2O4.H2C2O4, ठीक है, बढ़िया बात है, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, MnO4 के साथ, MnO4- के साथ, तो बेसिकली इसमें यही दोनों ऑक्सीडाइज होने वाले हैं ना, तो हम ऐसा लिख देते हैं सीधा। ठीक है, तो ये बन जाएगा कितना, 4CO2+ Mn2+, यहां तक क्लियर हो गया? एवरीडी इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब इसमें एक और चीज दिया है अभी, खतरनाक, एक और है कहानी, अभी तो खत्म नहीं हुई है, कि हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.1 विल रिएक्ट विद 1 ml ऑफ प्रीवियस। अच्छा इसी सैंपल के साथ NaOH का रिएक्शन जब होगा, अच्छा NaOH के साथ जब रिएक्शन होगा तो इसमें इसका n फैक्टर क्या होगा, कुछ समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? n फैक्टर 3 होगा, क्योंकि 3H+ निकल सकते हैं, राइट? ये समझ में आ रहा है सबको?
तो अब तीन रिएक्शन है भाई, तीन रिएक्शन है अपने पास। एवरीडी इज दैट क्लियर है नॉट? तीन रिएक्शन है अपने पास। ओके तो अब करना क्या है देखते हैं कि हाउ मेनी मिली लीटर ऑफ 0.2 MnOH, कितना एमएल जो है इसका 0.2 MnOH का, दिस विल एक सेकंड ना, हाउ मेनी मिली लीटर ऑफ 0.2 MnOH विल रिएक्ट विथ 1 ml ऑफ फिजिस। ठीक है अच्छा, तुम्हें करना क्या है समझ में आ रहा है, पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट इक्वेट करना है। अच्छा ये रिएक्शन सबने लिख लिया ना, एवरीडी रिएक्शन सबने लिख लिया ना। देखो सबसे पहले क्या करना है, इन मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KNO4 को इक्वेट करना है मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2+ के साथ। पहला रिएक्शन के ऊपर आ जाते हैं, तो n फैक्टर 5 * मोलैरिटी इसका मान लो 5, और इसका मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2+ कितना है, Fe2+ का मास दिया है 1 ग्राम, 1 ग्राम दिया ना ये, 0.14, और इसका इक्विवेलेंट मास क्या है बताओ एवरीबडी, 56 है राइट, और ये मिली इक्विवेलेंट है तो इसको 10^3 से मल्टीप्लाई करें, कुछ तो बोलो, (10^-3) से मल्टीप्लाई करेंगे ना, नहीं नहीं मिली के लिए 10^3 से मल्टीप्लाई, एक काम करते हैं ना, इसको 5 ml को सीधा अपन कन्वर्ट करके नॉर्मली रखते हैं, 1 ml है तो 1/1000 ही कर लेते हैं। ठीक है चलेगा एवरीबॉडी, 1/1000 चलेगा ना, हाँ ना कुछ तो बोलो। तो अब इससे मोलारिटी निकल जाएगा, देखो मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा लंबा जाएगा, तो इससे तुम्हारा मोलारिटी निकल जाएगा, किसका निकल जाएगा, मोलारिटी KNO4 का निकल जाएगा। अब जब मोलारिटी KNO4 का निकल गया, ठीक है जब मोलारिटी KNO4 का निकल गया तो उसके बाद क्या लिखा है 1 ml, तो अब इसका मोलारिटी देखो इसका है n फैक्टर 1, इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा बताओ, ये +3 से +4 में जा रहा है, कितना n फैक्टर हुआ एवरीडी इसका, 2 हुआ ना, 2 हुआ, कितना हुआ चेक करो, 4 हुआ, 4 हुआ इसका मोलारिटी इनटू m, और इसका n फैक्टर वही है, तो यहां से ऊपर से जो m इक्वेट किया इनटू 5 कर दोगे, ठीक है, और इनटू 0.1, तो इसका तुम्हें यहां से पिछला वाला m1 है तो इससे तुम्हें m2 निकल जाएगा, ये समझ में आ रहा है, इसका m2 निकल जाएगा, फिर इसका m2 निकल जाएगा, तो फिर इससे इक्वेट करो, फिर इसका m3 ये निकालो, फिर इसका v निकालो, ये समझ में आ रहा है एवरीडी, समझ में आया नहीं आया कंसेप्ट, समझ में आया, तीन बार यूज करना है, यहां से ये निकालना है फिर यहां से ये निकालना है, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर, तीन बार इक्वेट करना है, यहां से मोलारिटी निकाल के यहां इक्वेट करना है, फिर यहां से निकाल के यहां इक्वेट करना है, फिर इसका फाइनली वॉल्यूम निकालना है, कोई दिक्कत है, एवरीडी इज दैट क्लियर। ओके अच्छा अभी कल करते हैं, ज्यादा टेंशन मत लो अभी, बाकी करते हैं मतलब नेक्स्ट क्लास में जब भी डिस्कस रहेगा कर लेंगे, कब करें, नेक्स्ट क्लास में करें या फिर नेक्स्ट सैटरडे करें, एवरीडी एक काम करेंगे नेक्स्ट संडे रख लेंगे, नेक्स्ट संडे को शाम वाम में रख लेंगे, चलेगा ठीक है, तो फिर एन आवर्स ठीक है डाउट्स आई विल टेल यू, संडे को ही कभी रखेंगे फाइन, तो ठीक है कल का टेस्ट के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट, कल का टेस्ट आपका मेंस लेवल का ही होगा तो उतना टेंशन मत लो, आपने यदि इतना तक एक्सरसाइज 3 तक यदि सॉल्व किया है तो आपको ज्यादा तकलीफ वहां पे नहीं आएगी, ठीक है एक्सरसाइज 3 तक लेकिन सॉल्व किया होगा तब,
मेंस लेवल का टेस्ट थोड़ा सा इजी रहेगा, तो ठीक है फिर एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। ओके।